फ्रेंड्स, स्मार्ट एट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम अपने दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बना रहे हैं, जिसमें मैंने छोटे छोटे लिटिल हार्ट का बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस सुंदर सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। आज हम अपने दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए हम दो कलर की ऊन का यूज कर रहे हैं, व्हाइट एंड ऑरेंज कलर की ऊन है हमारी। और दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हम यहाँ पे 12 चैन से स्टार्ट करेंगे चोली को बनाना। और अगर आप एक नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए यही ड्रेस बनाएं तो 10 चैन से स्टार्ट करेंगे, और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 15 चैन से, और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 18 चैन से, और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 20 या 21 22 चैन से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप अपने जैसे जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए साइज बड़े होते जाएं तो आप 2 या 3 चैन आगे और बढ़ाते हुए जाएं। इसी तरह से हम इस प्यारी सी ड्रेस को बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 12 चैन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैंने 12 चैन बना ली है। 12 चैन बनाने के बाद 1 चैन और बनाऊंगी, और एक चैन बनाने के बाद जो 12वीं चैन है इस चैन को हम स्किप करेंगे, और जो 12वीं चैन थी उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, नेक्स्ट चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया लेना है, और हर चैन में सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको सिंगल चैन के साथ कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चैन बना लिए हैं। 3 चैन बनाने के बाद अब मैंने हर चैन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं, और जो हमने पहले जो 3 चैन बनाए थे उसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये एक चैन हो गया, दूसरा ये एक डबल क्रोशिया लिया है, नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, और इसी तरह से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेते हुए इस राउंड को हम कम्प्लीट कर लेंगे। मैंने हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया लेके इस राउंड को कंप्लीट किया है। इसके बाद टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद अब इस राउंड में हम ठाकुर जी की बाजू वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसमें मैंने 3 चैन बना लिए हैं। 3 चैन बनाने के बाद अब जो पहला जो हमने चैन लेना था वो हम 3 जो चैन बनाते हैं उसी को हम काउंट करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट चैन है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया लेंगे। लगातार अब हमने 5 डबल क्रोशिया लेने हैं, 1, 2, 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया होने के बाद अब हम यहाँ पे 2 चैन स्किप करेंगे। यहाँ पे हमने 2 चैन स्किप करने हैं। अगर हम इससे बड़े ठाकुर जी के लिए यही ड्रेस बनाएंगे और यही चोली बनाएंगे तो यहाँ पे जो हम चैन स्किप करते हैं वो हम 3 चैन स्किप करेंगे, लेकिन हमारे जो 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत छोटे से होते हैं तो यहाँ पे हम 2 चैन स्किप करेंगे, और नेक्स्ट जो तीसरा चैन है उसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे कि 5 हमने डबल क्रोशिया लेने हैं लास्ट में और 2 चैन स्किप करने हैं, और बाकी के जो हमारे चैन बचेंगे उनको हम डबल क्रोशिया लेते हुए बुन लेंगे। हमने 7 चैन स्किप करने छोड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जिनको हम बुनेंगे और 2 चैन हमने स्किप करने हैं। तो नेक्स्ट जो चैन है, 2 चैन स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट चैन है उसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये ठाकुर जी की बाजू वाला पार्ट होता है, और ये अब हम 5 चैनों में 5 डबल क्रोशिया लेके इसको हम बुन लेंगे। तो अब ये देखिए, ये बाजू वाला पार्ट बन गया है। अब जो इसके बाद हमारे पास जो जितने चैन है उनको हम आगे इस वाली राउंड में हम कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो पहले चैन में हमने ये जो 3 हम चैन लेते हैं वो हमारे 1 डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया लेंगे, और इसी तरह से हम पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे, एक एक बार डबल क्रोशिया लेते हुए सभी में। अब इस राउंड के बाद हमारे जो ठाकुर जी की चोली है वो बनके रेडी हो गई है। अब जो लास्ट हमारा जो दूसरा पार्ट है, ये वाला जो चैन है इसके अंदर हम इसको स्किप चैन के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। अब चोली बनके रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसमें 3 चैन बनाऊंगी। अब 3 चैन बनाने के बाद जो पहला चैन है उसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। ये हम ठाकुर जी की जो चोली का डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हम बेस तैयार कर रहे हैं। बेस हमने सबसे पहले तैयार करना है, और जब फ्रिल तैयार होती है तो फ्रिल राउंड हमारा चल रहा है। फ्रिल राउंड में हम हर चैन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया लेंगे,
जितने भी बड़े ठाकुर जी के लिए आप ड्रेस बनाएं, तो सबसे पहले जब चोली बनाने के बाद पहला जो राउंड होता है, फ्रिल राउंड जो होता है, उसमें हम हर चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो फ्रिल है वो एकदम से ठाकुर जी के घेरे वाली तैयार हो। अब ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमने तीन चैन जो फर्स्ट में बनाई थी, उसके जो टॉप वाली जो चैन होती है, उसके अंदर हम स्किप चैन से इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से। हर बार हम इसी तरह से कनेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारा डिजाइन है वो एकदम परफेक्ट रहे। इसके बाद अब हमारे जो नेक्स्ट फ्रिल राउंड है, फ्रिल में हम तीन चैन बना लिए हैं। तीन चैन बनाने के बाद अब जैसे हमने सबसे फर्स्ट राउंड में हर चैन के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया लिए, इस चैन में अब हमने ऐसे करना है कि तीन चैन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है और चौथे चैन में दो बार डबल क्रोशिया एक ही चैन के अंदर। अब लगातार तीन चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, तो तीन चैन हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया लेंगे। इससे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। और इस तरह से इससे नेक्स्ट में हम दो बार डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और वैसे भी अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट चलता है और आपको लगता है कि ये थोड़ा टाइट हो रहा है और इसमें झोल पड़ने का या फिर ज्यादा ढीला या वैसा हो, तो आप इसमें दो डबल चैन बनाने के बाद, दो डबल क्रोशिया लेने के बाद, तीसरे चैन में भी दो बार डबल क्रोशिया ले सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ड्रेस में जब झोल आने लगे तो आप इसको जैसे अब हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया लिए हैं लगातार तीन चैनों में, तो इसको आप चार भी कर सकते हैं। जैसे भी आप अपने ड्रेस बना रहे हैं तो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे जैसे स्किप चैन के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और आप अपने जितने भी बड़े ठाकुर जी के लिए इस तरह का बेस तैयार कर रहे हैं, तो वो सेम इसी तरह से करेंगे। हर राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड में हमने हर चैन को डबल किया था, इस चैन में हमने 10-12 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लिए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से हर राउंड में 10-12 चैन आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही सेम रखना है, तीन चैन हमने लगातार सिंगल लेनी है और उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद हम दो बार डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हम जितने भी राउंड बढ़ाना चाहते हैं उसी तरह से बढ़ा लेंगे, जितने भी राउंड बनाना चाहते हैं। तो दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आप चार राउंड भी बना सकते हैं, पांच राउंड भी बना सकते हैं, क्योंकि छोटे से ही होते हैं ठाकुर जी। और बड़े ठाकुर जी के लिए आप इस तरह से राउंड आप बढ़ा सकते हैं, पांच छह जितने भी आप बनाना चाहें। अब यहाँ हमने चार राउंड कंप्लीट करने के बाद अब ये हमारा फ्रिल राउंड का लास्ट राउंड होगा, है ना। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे तीन चैन बना लिए हैं। तीन चैन बनाने के बाद एक दो और जो तीसरा चैन है इसके अंदर मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया लूंगी। और अब मैंने एक ही चैन के अंदर इसमें से चार बार डबल क्रोशिया लेना है, एक ही चैन के अंदर लेना है। चार बार डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चैन बनाऊंगी और एक चैन बनाने के बाद दोबारा से इसी चैन के अंदर से मुझे चार बार डबल क्रोशिया फिर से लेने हैं। अब यहाँ पे हम दो चैन स्किप करेंगे, एक दो और जो तीसरा चैन है उसके अंदर हम यहाँ पे स्किप चैन के साथ में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसमें दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद दो चैन स्किप करेंगे, एक दो और जो नेक्स्ट चैन है इसके अंदर से सेम यही पैटर्न रखना है, हमने चार बार डबल क्रोशिया लेना है और चार बार डबल क्रोशिया लेने के बाद बीच में एक चैन बनाएंगे और फिर से उसी चैन के अंदर हमने चार बार डबल क्रोशिया लेना है। चार बार डबल क्रोशिया ले लिया है, इसके बाद एक चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर यहाँ पे दोबारा से हमने चार बार डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हमारा ये बॉर्डर लाइन बन जाएगी। दो चैन स्किप करेंगे, एक दो और जो तीसरा चैन है उसके अंदर इसको हम स्किप चैन से इसको कनेक्ट करेंगे। दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद
दो चैन स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट चैन है उसके अंदर यहाँ से फिर से वही सेम पैटर्न हमने रखना है। इस तरह हमारे जो ड्रेस का डिजाइन है उसका जो आउटर लाइन है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरी फ्रिल में हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी पैटर्न से। अब दो नंबर के लड्डू गोपाल जी का, ठाकुर जी का बेस जो ड्रेस है उसका बेस बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें दूसरे जो कलर की ऊन हम इसमें यूज करें, अब उसके हम उस डिजाइन को तैयार करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। अब इसमें हम एक लिटिल हार्ट शेप बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, और उसके लिए एक फ्रिल या लेस टाइप का हम इसको मान सकते हैं, लेस टाइप में बनाएंगे इसको। तो हम स्टार्टिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं इसमें इजीली, पूरा हमारा ड्रेस एकदम सेम है बना हुआ। तो जो हमारी लास्ट रो है, लास्ट रो में तो हमने डिजाइन बनाया है और उससे नेक्स्ट हमारी ये रो है, तो इसमें जो हमारा चैन है इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। फोर्थ वाली जो चैन है उसके अंदर से हम इस तरह से धागे को जोड़ लेंगे। अब धागे को जोड़ने के बाद इसमें हमने पांच चैन बनानी है। पांच चैन बनाने के बाद जो हमारा पहला चैन था उसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे और इसके अंदर अब हमने चार बार डबल क्रोशिया लेना है इसी पैटर्न से, थोड़ा लूज लूज करके। थोड़ा लूज रखेंगे धागे को और चार बार इसमें से हमने डबल क्रोशिया लेना है। तीन बार हो गया है और अब इसको हम दो दो धागे इसमें से निकालेंगे हम इस तरह से। और इन धागे को अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे, धागे को हमने टर्न करना है यहाँ पे इस तरह से। टर्न करने के बाद धागे को दूसरी तरफ निकालेंगे इसको इस तरफ, और जहां हमने चार बार डबल क्रोशिया एक ही जगह लिया था वहां दोबारा से हम चार बार डबल क्रोशिया लेंगे इसी तरह से। चार बार इसमें से हमने सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया निकालना है और इसमें भी हम धागे को दो दो करके निकालेंगे। और बाद में इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे, तो ये हमारा छोटा लिटिल हार्ट शेप में बन जाएगा। अब ये हमारा लिटिल हार्ट बन गया है और इसको हम जिस रो में हमने इसको बनाना शुरू किया है इस तरह से इसको रखेंगे, और जैसे अब इसका डिजाइन यहां तक कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से, स्लिप चैन के साथ में इसको यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर से पांच चैन बनाएंगे, जो हमारा लास्ट फंदा है इसके अंदर से ही हमने इसको दोबारा से पांच डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया लेने हैं जैसे हमने पहले लिए थे। थोड़ा लूज रखना है धागे को। और इस तरह से लूज रखते हुए इसको हमने दो दो धागे करके ही निकालना है इसमें इजीली। और जो लास्ट में हमारे दो धागे बचते हैं उनको हमने छोड़ना है और इसको दूसरी तरफ से निकालेंगे इस धागे को, और दूसरी तरफ से इसको हमने टर्न करना है। और टर्न करने के बाद सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी तरफ से भी वही चार डबल क्रोशिया हमने लेने हैं, दो तीन
और चार, और दो दो करके इस धागे को निकालेंगे। मेरा जो वूलन है ये थोड़ा वाइट है जो पतला है, इसलिए मैंने इसको डबल किया हुआ है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जो भी आपके पास वूलन हो उसको आप दो दो करके ही निकालेंगे। और जब हमारा एक धागा यहाँ पे बच जाएगा तो उसको हम इस तरफ से दूसरी तरफ से, जैसे हमने इसको अटैच किया था जिस रो में हम इसको बना रहे हैं वहां पे ही इस तरह से इसको धागे को निकालेंगे, और ये देखेंगे कि कहाँ पे ये कंप्लीट होता है। और जहाँ पे इसमें बिल्कुल भी जोड़ नहीं आना चाहिए, बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बराबर में रखते हुए हम इसको, जैसे अब इसका डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो हम इसी चैन के अंदर से इसको अटैच करेंगे। स्किप चैन से इसको हम अटैच करेंगे और सेम इसी पैटर्न से हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन में हमने इसी तरह की एक लैश टाइप में डिजाइन बना लेना है। हमारे दो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से ब्यूटीफुल सी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बन के रेडी है। अगर आप इसी ड्रेस को अपने बड़े ठाकुर जी के लिए बनाएंगे तो जो हमने व्हाइट लिटिल हार्ट बनाए हैं, आप इनकी रो, इनकी पंक्ति को और भी बढ़ा सकते हैं, दो तीन चार जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं इजीली, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल स्मार्ट एट गर्ल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।